नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है मौलाना तारिक जमील का शुक्रिया। कॉलम निगार हैं हामिद मीर और आवाज है मलीहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध की सूबाई हुकूमत से नाराज हैं और सिंध के सूबाई वज़रा वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं। वफाकी हुकूमत की शिकायत है कि सिंध ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और सिंध को शिकायत है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए वफाक ने सिंध की मुनासिब मदद नहीं की। ऐसा लगता है कि हमें एक खतरनाक वबा का सामना नहीं बल्कि बहुत जल्द आम इंतखाबात होने वाले हैं और इन इंतखाबात में वोट इस बुनियाद पर दिए जाएंगे कि सिंध में लॉकडाउन का फैसला सही था या गलत। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले वफाकी वज़रा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने किस से पूछ कर लॉकडाउन किया। PIA ने अपनी परवाजें क्यों मुअत्तल की, रेलवे ने अपनी गाड़ियां क्यों बंद की। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की लड़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारी सियासी अशराफिया को हालात की नज़ाकत का एहसास नहीं। एक तरफ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध आवाम को खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमवात बढ़ सकती हैं और दूसरी तरफ आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी अपनी इंतहा पर है। अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे लोग बुरे काम कर रहे हैं। जुनूबी वजीरिस्तान में रुकने कौमी असम्बली अली वजीर के करीबी अजीज आरिफ वजीर एक कातलाना हमले में जिंदगी की बाजी हार गए। आरिफ वजीर का ताल्लुक पश्तून तहफ़ मूवमेंट से था। वो कुछ अरसे पहले जेल से रिहा हुए थे। उन पर हमले के बाद उनके साथ हमदर्दी की ज़रूरत थी लेकिन हुकूमत के हामियों ने उन्हें मुल्क दुश्मन करार देना शुरू कर दिया। हमले के बाद आरिफ वजीर को पहले डेरा इस्माइल खान और फिर इस्लामाबाद लाया गया। उनकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की गई। जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे तो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ और पश्तून तहफ़ मूवमेंट के हामी एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा थे। मुझे जुलाई 2018 का वो दिन याद आया जब इमरान खान ने बनी गाला में मुझे इलेक्शन से कबल आखिरी इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने पश्तून तहफ़ मूवमेंट की हिमायत की और जनूबी वजीरिस्तान में अली वजीर के मुकाबले पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दस्तबरदार करने का ऐलान कर दिया। 2018 के इलेक्शन में अली वजीर जनूबी वजीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए और कुछ अरसे के बाद हमें बताया जाने लगा कि वो तो गद्दार हैं और उनका अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से बहुत गहरा ताल्लुक है। अशरफ गनी के मुतालिक मेरा मौकफ कोई ढका छुपा नहीं लेकिन हमारी हुकूमत ने अशरफ गनी को अफगान तालिबान के साथ मुजाकरात पर तो मजबूर किया लेकिन अशरफ गनी और अली वजीर के ताल्लुकात हमें अच्छे नहीं लगते। मुझे आरिफ वजीर के मुतालिक ज़्यादा मालूम नहीं लेकिन ये जानता हूँ कि जब जुनूबी वजीरिस्तान पर अस्करियत पसंदों का कंट्रोल था तो आरिफ वजीर के वालिद और कई करीबी रिश्तेदार अस्करियत पसंदों के हमलों में मारे गए थे, इसलिए उन पर हालिया हमला भी पुरानी दुश्मनी के तनाजुर में देखा जा रहा है। लेकिन हमारे पंजाब के गवर्नर मोहम्मद सरवर की टीम ने एक ऐसी ट्वीट की जिससे मजीद नफरत फैली। इस ट्वीट में आरिफ वजीर के कत्ल का इल्ज़ाम अली वजीर और मोहसिन दावर पर लगा दिया गया। गवर्नर पंजाब के नाम से जेर इस्तेमाल ट्विटर अकाउंट को इंतहाई गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया गया। इस किस्म की गैर जिम्मेदारी से PTM को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में एक मुसलमान पर कातिलाना हमला होता है तो दूसरे मुसलमानों को अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर उसके साथ इजहार हमदर्दी करना चाहिए था लेकिन अफसोस कि आरिफ वजीर की मौत के बाद गवर्नर पंजाब के ट्विटर अकाउंट से कहा गया कि अफगान इंटेलिजेंस मंजूर पश्तीन को मारना चाहती थी लेकिन अब आरिफ वजीर को कत्ल करके PTM को एक लाश फराहम कर दी गई।
अगर NDS और अफगान हुकूमत इतनी ही बुरी है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले पर एक दो टोक मौकफ इख्तियार करना चाहिए और ये मौकफ गवर्नर पंजाब के बजाय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर खारजा की तरफ से सामने आना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कौमी असम्बली के दो अरकान अली वजीर और मोहसिन दावड़ पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसे वापस लिया जाए और अगर वापस नहीं लेना तो फिर उसकी अदालती तहकीकात कराई जाए। इस मामले में हमारे उलमा को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में बिला खौफ व ख़तर झूठ बोलने और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। जब बड़े बड़े लीडर एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उनके पैरोकार उनसे भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते मोहतरम मौलाना तारिक जमील ने वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में होने वाली एक टेलीथॉन के दौरान माशरे में झूठ का जिक्र किया था और सारे मीडिया को झूठा करार दे दिया। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि सारा मीडिया झूठा नहीं, कुछ लोग सच भी बोलते हैं, लिहाजा बेहतर होगा मौलाना साहब उन लोगों के नाम बताएं जो झूठ बोलते हैं। इस गुजारिश की वजह ये थी कि जिस मीडिया को उन्होंने झूठा करार दिया उस मीडिया को वजीर आजम ने अपने गिर्द बिठा कर 3 घंटे की टेलीथॉन की और फिर वही मीडिया झूठा करार पाया। अगले दिन एक टीवी प्रोग्राम में मौलाना तारिक जमील ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली। इस प्रोग्राम में ना मेज़बान मोहम्मद मालिक और ना मैंने माजरत या माफ़ी का मुतालबा किया, लेकिन मौलाना साहब ने खुद ही माफ़ी मांग ली और बात ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने मौलाना साहब के नाम पर सोशल मीडिया में गालम गलोच का तूफान खड़ा कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में गालम गलोच और लान तान करने वाले दरअसल अपना ही नुकसान कर रहे हैं, शायद इसलिए कि अक्सर को पता ही नहीं कि बगैर सबूत किसी के ईमान और हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने का क्या गुनाह है। भला हो मौलाना तारिक जमील का कि उन्होंने कल शाम मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये जो तूफान बदतमीज़ी है इस पर मुझे अफसोस है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरी उनसे पहली दफ़ा बराह रास्त गुफ्तगू थी। उन्होंने बताया कि वो मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर वारिस मीर के फ़ैन हैं और उन्होंने मुझे वालिद मरहूम के आखिरी अल्फाज भी सुनाए। मैंने अर्ज़ किया कि पहले भी आपने हमारे इसरार या मुतालबे के बग़ैर माफ़ी मांगी, अब भी आप अपने तौर पर माफ़ी मांग रहे हैं, ये आपकी बड़ाई है। अगर मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो तो मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब से गुजारिश है कि वो आइंदा किसी तकरीर या प्रोग्राम में बोहतान तराशी पर भी बात करें और इसके लिए कैपिटल टॉक भी हाजिर है। उन्होंने मेरे वालिद मरहूम के लिए जो कलमात और मोहब्बत का इजहार किया इस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।